बस तुरंत 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर के द्वारा। बड़े भैया, आज मैं अपने भाई के आराम कक्ष में आज 5 वर्षों के बाद ये काली आज अपने बड़े भाई से मिल रहा है। इतना बदला बदला नजर आ रहा है भैया। झुकाए चरण कमल में आपके भ्रात झुकाए। छोटा काली सिंह 5 वर्षों के बाद आपसे मिल रहा है। क्यों नहीं काली सिंह, आप इस छोटे को आशीर्वाद दो कि आपके हर काम में मैं हमेशा सदैव तत्पर रहूंगा। क्यों नहीं काली सिंह, हर युग युगे काली सिंह जियो और सदा रहो। भैया लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता। क्या कहना चाहते हैं काले सिंह? ऐसा है जो हमारे
20 एकड़ जमीन के बीच में एक एकड़ जमीन बरकुआ किसान की है ना, वो साली हमको बहुत दिक्कत करती है, इसलिए अपने 20 एकड़ जमीन के बीच में हम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने वाले हैं। हम वहां पे एक रेस्टोरेंट होटल खुलवाने वाले हैं और वहां पे हम तारों की भट्टियां लगवाने वाले हैं और हम वहां पे रंडियों के कोठे खुलवाने वाले हैं। लेकिन काली सिंह सिर्फ दखल अंदाजी है तो जो 20 एकड़ जमीन के बीच में वो हरकुआ किसान की जमीन एक एकड़ है ना, वही साली दखल अंदाजी करती है। ओ जा रे, अब दिमाग हमरे को आया, इन्हीं आप ये चाहते हैं कि जो हरकुआ किसान की जो एक एकड़ जमीन हमारे जमीनों के बीच में है, ओ अगर हरकुआ किसान अगर पैसे से देता है, अगर प्यार से देता है तो उसकी भला है, अगर प्यार से नहीं देता है तो बड़े भैया आपके चरणों की सौगंध है, ये काली सिंह उसकी जमीन को अपने नाम कर लेगा। नहीं काली सिंह, उसके साथ में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं उस हरकुआ किसान से इज्जत मान सम्मान के साथ में जमीन देता है तो देता है, नहीं तुम हमसे आकर के बताओ हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। यानी मैं यानी काली सिंह उसके उस झोपड़ी में जाना है और उससे वार्तालाप करना है कि हर को किसान तुम अपनी जमीन को हमारे भाई के नाम करते हो या नहीं है? अगर वो कहता है जमीन नहीं देखेंगे तो काली सिंह खाली हाथ तो वापस आ जाएगा। खाली हाथ नहीं, अगर वो सीधे देता है तो सीधे देता है, नहीं टेढ़े भी देगा। ठीक है बड़े भैया, जैसे भी जमीन मिले वो एक एकड़ जमीन हमें नाम होना चाहिए। हाँ तो ऐसे बताओ ना, तुम्हें वो जमीन चाहिए चाहे जैसे भी चाहिए। हाँ काली सिंह, तो आज ये काली सिंह उसके घर जाएगा और उस जमीन का सौदा करेगा। अगर प्यार से मानता है तो उसे बनाकर रुपया पैसा दौलत देंगे, अगर नहीं मानता तो मैं आपके समक्ष उस बात को बताना चाहता हूँ। ठीक है मैं जाऊँ, मैं चलता हूँ, आराम कक्ष में आराम करता हूँ। चलिए बड़े भैया। अरे सुन्नी लाल और मुन्नी लाल, हर को किसान, क्योंकि आज जो तेरे हमारे 20 एकड़ की जमीन के बीच में तेरी एक एकड़ जमीन है ना रे, अगर आज काली सिंह को ना किया ना तो काली सिंह वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ देता है। कसम है पैदा करने वाले की, वो हस्र करूंगा कि शिवराज नगर वाले भी पछताएंगे। आ मेरे साथ, हम उसके घर तक चलेंगे। पहले हम फोन में लगाए नंबर बताए, जब हमका धै के हलावे लाग ना खसक गए। का करी यार, हे यार, तुमका मारे लागी ना तो हमका इतना नीक लाग। अच्छा? हमका इतनी मजा आई। अच्छा? कि और तई के मार लिए यार। तो तुम तो यार हमको इतना चाहत कि जैसे अपन जा चिकवा पकड़ के चाहत हो यार। जब हमका लाग ना अपाई जान को ठेकेदार सब पैता बकला
फराव जुटा रहा यार। पंजा कसम दूर मार मार इसमें कि चार पांच बोन पे साफ चढ़ी में चुई गया। चलो लेकिन कहना क्या है, कैसे चलते चलते और जोड़े के कि भैया जोड़े के वर मिला नौमिया के जोड़े के वर एकदम गंधैली कंधैली कंजही कंजही। अच्छा अर नौनिया की आंखी कुइरी कुइरी अर नौवा के मुंह जैसे घोड़े के वर मिला नौनिया के घर चला जाए लेकिन कैसे। अरे लिखल गौरी पतिया तू लिखल गौरी पतिया ओ पिया परदेश लिखल गौरी पतिया के मिर्गी आ गए। चलो कोई बात नहीं है। अरे की बूढ़े उतर आए भैया बूढ़े उतर आए अरे जमुनावा मनैया बूढ़े उतर आए चीटी करे बस यार। अरे चीटी के मुंह ते भैया
अरे बहिगे नदिया यो नार, अरे गोरिल बिकारी का जाल बहिगा, अरे के बहिगे पाड हो जा मोना वही मानैया। भैया काका तुम्हार गोड़ टूट डारी, काका के हाल चाल ना पूछ, काकी के हाल चाल पूछ रे। काका से पूछा हाल चाल, फिर काकी की तो पूछ भाई कर दे। काका के आगे आगे पूछा, हमारे जान काका के खांसी आ रही। कोखी आवे, खांसी आवे रे। काका के पिला दे। हाँ बेटा तो बीड़ी पे। हाँ बताए तो बीड़ी नहीं पी, तो माची नहीं रखी। बीड़ी पीछे वाले से मांग ले। अगर मान धरी तलवारे नहीं तो कौन है काम का? जा भाई अगले के समाज से। काका के संभाले। ये काका जलार कोनो बढ़िया एक ठई गाना सुना देते यार, मजा आ। हाँ काका कोनो पिराहा सुनावा। बीड़ी पिया बेटा पहले ना भीड़। वाह काका कोनो बढ़िया एक भजन सुना देते यार। भजन बतावा नहीं। और सुनो, हम तो भजन सुना दे तुमका, लेकिन एक काम करो भाई, काकी आवत हमका काकी का मुंह जरूर दिखाओ। दिखाओ बेटावा, दिखाओ बरे कि बहुत दिन हो गई है। काकी हमका बेटावा बराबर बहुत माना थी, लेकिन काकी आते हमका मुंह नहीं दिखाई। दिखाई दिखाई, चलो ठीक है तो हम भजन कहा सुना दे। हाँ सुनाओ बेटावा, तो सुनाओ तो। अरे मोरियन गैया मफूल की बहार है, मोरियन गैया मफूल की बहार है। फूल की बहार है, फूल की बहार है, मोरियन गैया मफूल की बहार है, मोरियन गैया। बेला भी फूल है, चमेली भी फूल है,
हाल पता का कह अब हमारे लड़का हमारे तो जल्दी बुलाओ बाबू इनका कमरा जाना एकदम बेकार हो गया लड़का हमें श्याम हमें राम हमें राधा कहाँ है ना ना सो जाए काकी हाँ जब से काका का तबीयत खराब रहा थी ना इनका दिमाग नहीं काम करता इनका दिमाग साला एकदम अब इडी उडी को पिया इसने वह साला पिया क्या इडी लेके हाँ काकी तो खुद है काका से पूछ लेना ए राम के बप्पा देखो जा हमारा राम का एक तो वो भी बेवड़ा है भैया को पता लगा इनका हाँ पता लगाओ ठीक है इनका दिमाग ही नहीं काम करता है काका अरे इनका के चक्कर में तुम्हारे इंसान तो इंसान चुप से पहुड़े रही भागिया हिया हाँ पता करो जल्दी करो क्या बताई ये हमें बुढ़ाओ के तबीयत खराब है इनका दिमाग का नहीं काम करता इन नपे कोमा से बाहर हो गए प्रमोद छोटो बापू एमा सा
हमेशा टेंशन ही रहता है कि तू तो अभी पढ़ता है और तेरा बड़ा भाई वो जब देखो जब अपने शराब में डूबा रहता है। ना जाने ये ऊपर वाले कब हमारे बड़े बेटे को मेरे राम को सुधारे का कुछ समझ में नहीं आता। हे माँ, हाँ बेटा, इतनी दुख की बात नहीं है माँ। अरे रंजो गम छोड़ो ये माँ, रखो जिगर में सबका मालिक एक है परम पिता लघुवीर। माँ, इन सब बातों को छोड़ दो। अरे भैया अभी नशे में है, मानता हूं कि भैया दिन रात शराब में डूबे रहते हैं, लेकिन इतना चिंता करने की जरूरत नहीं माँ। ये आपका छोटा बेटा लखन है, ये आपकी मुसीबतों का सहारा बनेगा माँ। नहीं मानती हूँ, लेकिन करूँ क्या, मैं आखिर माँ हूँ। अपने बेटे को इस हाल में देखकर ना जाने तू मेरा दिमाग काम नहीं करता। और तू तो जानता है कि तेरे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है, उनकी दिमाग कुछ संतुलन अच्छी नहीं है। और मेरे बड़े भैया वो जब देखो जब अपने शराब में डूबे रहते हैं। बापू बापू, बापू बोलो बेटा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है बापू। बेटा चिंता तो हे बापू, तो जिसे कम बापू मैं ये करूं, हो तो से मैं करूं मैं इतने थारकम, आज से मैं करूंगा नहीं ना करूं। पिताजी, बेटा तुमको नौकरी करना पड़ेगा बेटा। पिताजी क्योंकि इतनी मुसीबत से मैंने तुम्हें दोनों लोगों को पाला और पोसा, इतना बड़ा किया। पिताजी इसी बात को तो दुख है कि मैं इन्हीं हाथों से कुछ रुपए इकट्ठा करके ताकि मेरे सुख दुख में आने वाले काम में आ सके। पिताजी बेटा तुमको नौकरी भी करना है बेटा और पढ़ाई भी करना है तुम्हें बेटा। पिताजी